Oh,
साथ ताली बजेगी प्रभु जी, ताली ताली बजेगी, क्योंकि अभी 21 तारीख को जब कीर्तन होगा महाराज जी उसकी प्रैक्टिस कराने आए, ताली बजाने। लास्ट कीर्तन में भी हमने प्रैक्टिस कराया था नाचने का और ताली का, तो आप लोग सभी मिलकर ताली बजाइए। हो मृदंग
चिरंदन गौर हरि की जय, श्री परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि कृष्ण। इतने बड़े बस उसने आवाज हरि बोल हरि कृष्ण हरि बोल बोल मतलब चला नहीं रहे चलते हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल बंद कर दो बोला हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतिशयन बाद में देना जब स्वस्थ बात निकल देना हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै कीप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम् हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरुत मंद मतिर दयांग बरात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद
अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। श्री प्रकाश प्रभु जी के घर में हम सबके सब आज हरि कीर्तन और भगवान की कथा के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जगत में दो चीज जगत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दो चीज क्या है? कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, बीत धारा और सुत ये पापी को भी होए। वो कहते हैं जगत में दो चीज बड़ा दुर्लभ है। कहते एक में तो संत समागम, कहते एक संतों का समागम है, और जो दूसरी चीज है और भगवान की कथा है। कहते जो वो जो दो चीज है, बड़े किस्मत वालों को ये दो चीज प्राप्त होती है, लेकिन जो सूत दारा और बीत, कहते ये पापी को भी है। धन दौलत पुत्र परिवार क्या रावण का नहीं था? क्या रावण के पास में नहीं था? लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं शायद ज्यादा जगत में अगर पैसा कमा लेंगे ना, शायद सबसे सुखी हो जाएंगे। कहते रावण जैसे कोई जगत में पैसा कमा सकता है? जिनका सोने की जिसकी महल है, सब कुछ सोने की है, हमारे पास में कितना सोना हो सकता है? 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो हो सकता है। उससे ज्यादा हमारे पास में सोने होएगी, लेकिन जिसकी दीवार सोने की, जिसका मकान सोने की, जिसका बाथरूम सोने की, जिसका डाइनिंग रूम सोने की, जिसका किचन सोने की, सब सोने की उसके पास में थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और पत्नी हमारी कितना सुंदरी हो सकती है, कितना सुंदरी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मंददरी का मतलब आपको पता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसे कमल कमर जिसको बहुत ही पतली, मतलब है यहाँ पर कहते वो किसकी बेटी थी? बोले विश्वकर्मा की। बोले विश्वकर्मा कौन है? आर्किटेक्ट कहते ना, वो कहते ये विश्वकर्मा है, हैं, जिसने जब हनुमान जी ने लंका को जला करके आ गया, उसको ठीक वैसे ही 2 दिन में पूरा का पूरा लंका फिर सोने की बना दी, हैं। इसलिए उसने जगत में जितने सारे अच्छे अच्छे गुण को दे दे करके उन्होंने अपना पत्नी को मंददरी को उन्होंने बनाए थे। कहते भैया इसका कौन है? मेघनाथ है। भैया कौन है? कहते श्री कुंभकर्ण जैसे इतने बलवान भैया। बेटा कौन है? मेघनाथ जैसे बेटा, जिसने इंद्र को भी परास्त किया है, हा? इतने बलवान है। लेकिन इतने सब कुछ रहते हुए भी हम लोग क्या सोचते हैं, शायद जगत में ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना, कोई अच्छी अच्छी सुंदरी सुंदरी लड़की का शादी कर ले, अगर हमारा कुछ अच्छे बढ़िया बाल बच्चे हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कहते भैया रावण के पास में भी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो क्या चैन में था? वो चैन में नहीं था, बेचैन में रहता था। जब उसने सीता को चोरी करके लाए, हैं, जब सीता को उसने चोरी करके लाए, वो बड़े दुखी थे, हाँ, बड़े दुखी थे। इतने में जब ब्रह्मा जी उनको वेद सुनाने के लिए बोला चुप रहो, चुप बैठो वहीं पर, नारद जी वीणा बजाने बोले चुप रहो, जो जो कुछ बोलते वो सब बोल चुप रहो चुप रहो, हैं। बोले कौन कह रहे थे? बोले उनका नौकर लोग कह रहे थे। बोले अभी रावण अभी बड़ा दुखी है, रावण अभी दुखी है सब मत सुनाओ, चुप बैठो वहीं पर, रावण बड़े दुखी चुप रहो वहीं पर। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी एक पापी को ही पास होता है, लेकिन वो भी वहाँ पर चैन नहीं था, वो बेचैन था, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ चैन से जी रहा था। कौन जी रहा था? एक व्यक्ति चैन से, विभीषण है, वही केवल चैन में जी रहा था, लेकिन सारे लंका ही वो बेचैन 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 से बेचैन से। इसलिए हनुमान गया तो पूरा लंका को जला दिए, लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने जलाया, किसकी
केवल विभीषण का घर उन्होंने जलाया नहीं, कहते ये हनुमान जी कौन है, ये शंकर जी है, हनुमान जी ये शंकर है, सबका घर को जला करके राख बना दिया। लेकिन केवल एक विभीषण घर को उसने छोड़ दिया। बोले क्यों? बोलो भगवान की भक्ति करता था, भगवान का भजन करता था, इसलिए केवल वही चैन से जी रहा था और दुनिया में सब बेचैन। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा बेटी से दुखी, लेकिन सुखी राम का दास है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। जगत में संतों का संग और जो भगवान की जो कथा है, कहते ये चीज जो दो चीज है, ये बड़े किस्मत वालों को मिलता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते हैं परीक्षित, भगवत कथा की इतने दुर्लभ है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये कथा नहीं जुड़ता है, हैं? उनकी नसीब में भी नहीं जुड़ता है, हैं? जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, 33 करोड़ देवता, जिन जिन देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं, जितने नवग्रह है ना, शुक्र शनि रवि सोम, जितने ग्रह को पूजा करते हैं, जितने इंद्र चंद्र को पूजा करते हैं, वो 33 करोड़ देवता अमृत कलश लेकर के आए, हमें कथा सुना दो। भगा दिया सुखदेव गोस्वामी, भाग जाए यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते, तुम लोग बड़े स्वार्थी, मतलब ही है, मतलब ही है, और अमृत लेकर कथा सुनने के लिए आए हो। वो कहते हैं, को कांच को मणि रिमान, कोई आकर कांच के टुकड़े दे, बोले मणि दे दो, अब दे दोगे? बोले स्वर्ग अमृत पीने से क्या होता है बताओ? इंद्र सबसे बड़ा राजा, कितने कामी क्रोधी लोभी हैं, कितने बदमाश ये, कितना बार तो उसको सुअर बनना पड़ गया, कितना बार उसने। इसलिए स्वर्ग का अमृत पी करके केवल दंभ अंभिकार और कुछ नहीं होता है, ले जाओ ये अमृत, भगा दिया उन्होंने, लेकिन भगवान की कथा उन्होंने नहीं सुनाई। इसलिए कहते हैं स्वर्गे, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनके नसीब में भी भागवत कथा, भगवत कथा नहीं जुटती है। बोले उसकी बात छोड़ दो, बोले सत्य जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते वहाँ पर भी ये भगवत चर्चा हरि कथा वहाँ पर भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो विधि भावना विहाय सोनी बतसा रदा बतधाई। कहते अगर कहीं भगवान की कथा सत्संग हो ना, आप लोग कितने दूर से आए हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा दूर से, इससे ज़्यादा कोई दूर से नहीं आए होंगे, है ना? लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? बोले ब्रह्म लोग में, सबसे ऊंचाई लोग है, स्वर्ग मोह जन तप सत्य लोग में ब्रह्मा जी रहते हैं। अगर उनको अगर पता चले भैया कहीं ये संत समागम हरि कथा हो रही है, कहते वो अकेले नहीं, कहते अपना पत्नी शारदा को लेकर, बोले जल्दी जल्दी तैयारी हो, क्योंकि माताओं को तैयारी होने में थोड़ा लेट लगता है ना, पुरुष लोग तो एक कुर्ता पैंट पहन लेते हैं, इसलिए माताओं को तैयारी होने में थोड़ा सजने धजने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए ब्रह्मा कहते खबरदार, कथा में जाने से पहले ऐसे नहीं, जब कथा में मैं निकल जाऊँ, बोले नहीं अब थोड़ा सज रहा हूँ, अभी थोड़ा मेकअप कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, कथा के लिए पहले तैयारी है, फिर बैठना है तैयारी होकर की। इसलिए कहते आबत धाई, कहती है ब्रह्मा और ब्रह्माणी, धाई मतलब क्या? दौड़ दौड़ करके। बोले दौड़ दौड़ करके क्यों आते हैं? बोले कारण है, उनको पता है ये जो भगवान की कथा, भगवान की जो कीर्तन सत्संग, ये साधारण भाग्य से नहीं मिलती है, हैं? ये साधारण भाग्य से नहीं मिलती है, बड़ा दुर्लभ है, इसलिए वो दौड़ दौड़ करके ब्रह्मलोक से आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, बल कैलाश, कहते कैलाश में भी ये कथा नहीं,
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेतया युगमाही संभो गए कुंभ चली सिखाए। इसलिए त्रेतया युग में शंकर जी सती को लेकर कथा सुनने के लिए आए थे। बोले कहाँ कैलाश से आए थे, कहाँ पर मरते जगत में अगस्त ऋषि के चरण में बैठ कर कथा सुन। जब कथा सुनकर जा रहे थे ना, इतने माता सीता की चोरी हो गई। भगवान राम हासिते बोल करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे। इतने में शंकर जी ने देखा, देखो जो घटघट वासी, हाँ हाँ, जो घटघट में रमण करने वाले कैसे माया कैसे लीला कर रहे, उनको क्या पता नहीं सीता कहाँ पर है। उनको पता है, अब रामायण देखे है ना, रावण आने से पहले उन्होंने सीता को अग्नि में रख दिया। बोले अग्नि जब तक ये राक्षस को मैं संहार नहीं कर लेता हूँ, सीता आपको पास में शरण में। वो नकली सीता थी, लेकिन अद्भुत प्रभु लीला कर रहे थे, इसलिए शंकर जी दूर से परिक्रमा लगा रहे थे। इतने में सती ने पूछा, परिक्रमा किसको कर रहे हो, ये कोई परम ब्रह्म राम ना साधारण कोई जीव है ना, जिसकी कथा आप नित्य निरंतर सुनाते हो। शंकर जी समझा है लेकिन समझ नहीं। बोले मैं लिखी बड़ी हूँ मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, जो आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगी। मैं लिखी बड़ी हूँ, हमने MA PhD किया है, डॉक्टर इंजीनियर किया है, इसलिए हमको समझाने पर हम थोड़ी समझ जाएंगे, हम ऐसे नहीं समझने वाले। इसलिए कहते जगत में जो पांच प है ना, अब दुनिया को समझा लो लेकिन पांच प को नहीं समझा सकता। पहला नंबर पत्नी पहला नंबर आप दुनिया को समझा दो सब समझ जाएंगे। पत्नी को समझाओ बोले अरे उनके ही बुद्धि में देती रहती हूँ, ये हमें क्या समझाएंगे। इसलिए आप अपना पत्नी को नहीं समझा सकते हो। दूसरे बोले पुत्र, हैं दुनिया को समझाओ लेकिन पुत्र नहीं समझेगी। तीसरा प बोले पुत्री, और चौथा जो प कहती ये परिवार वाले हैं, भले दुनिया में आपको बड़े सम्मान होता है, परिवार आ रही हमारे सामने जन्म हुआ, हम उसको समझाते रहते हैं, इसलिए परिवार वालों को नहीं समझा सकते हैं। और जो पंचमा जो प है के लिए पड़ोसी देखना, सारा दुनिया में आपका प्रेम है लेकिन पड़ोस में लड़ाई है, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होगा होगी। इसलिए शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की लेकिन उन्होंने समझी नहीं। बोले नहीं मैं परीक्षा करके देखूंगी। इसलिए उसने सीता की रूप धारण की, प्रभु समझ गए अगर हमारा कोई गलती हो जाए ना, डायरेक्ट स्वीकार कर लो हमसे गलती हो गई। लेकिन गलती की शंकर जब पूछे तुमने परीक्षा ली, उनने झूठ बोल दी, हाँ फिर पति को उनने फिर झूठ बोल दी। बोले अब थोड़ी झूठ बोल सकते हो। फिर शंकर जी ने देखा इसने किस रूप में परीक्षा लिया, देखा श्री माता श्री सीता जी के रूप में। फिर शंकर जी अपना मन से पत्नी रूप में त्याग देते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कथा सुनने के लिए शंकर भी कहाँ से आते हैं, बोले ये कैलाश से भी कथा सुनने के लिए आते हैं। कल कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ है नास्ते अमरस, कहते वैकुंठ में भी ये हरि चर्चा भगवत चर्चा नहीं। अब रामायण सुने होंगे, जिस समय प्रभु राम जा रहे हैं संसार छोड़कर के सारे अयोध्या तैयारी जाने के लिए प्रभु को साथ में चलेंगे, लेकिन प्रभु राम ने देखा कि हनुमान जी कहाँ हैं। सारा दुनिया तैयारी बैठे जाने के लिए संकेत में, लेकिन ये हनुमान जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ कहते जो हनुमान कभी कहते ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जो हनुमान एक मुहूर्त भी प्रभु को छोड़कर रह नहीं सकते हैं, बोले हनुमान जी कहाँ हैं। ढूंढते देखा एक कोने में बैठी करके, बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता। प्रभु का नाम जब कर रहा है, बोले क्यों हनुमान, सारा दुनिया तैयारी वैकुंठ जाने के लिए, तू यहाँ क्या कर, चलोगे नहीं। देखा हनुमान जी क्या कहता है, कहते प्रभु वहाँ क्या आपकी कथा मिलेगी, कहते आपको सांकेत धाम में क्या आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, ये कथा की क्या जरूरत है, मैं तो स्वयं यहाँ पर हूँ ना। देखो हनुमान जी क्या कहते, बोले प्रभु जब आप हो वहाँ हो सकता है आपकी कथा नहीं, लेकिन आपको जहाँ कथा है आप 100% आप वहीं रहते, आपकी जहाँ कथा है। इसलिए भगवान नारद जब भगवान से पूछे आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे
योगिनां हृदय नच मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं नारद, दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों का हृदय में रहता हूँ, लेकिन मैं नहीं रहता हूँ, मैं केवल एक जगह पर रहता हूँ। कहाँ? जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। इसलिए रामायण में कथा आती है, बोले जिस समय श्री विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, हम कुलस्त के वंशधर हैं, पर स्त्री को हरण करना हमारी धर्म नहीं, कि जगदम्बा जगत जननी माँ सीता उसको वापस दे दो। इतने में रावण ने उनको लात मार कर भगा दी और उसने शरण लिया प्रभु राम की शरण में। जब आए इतने में भगवान राम ने श्री सुग्रीव को बोले सुग्रीव अभी इनको राज तिलक लगाना है, जाओ सबको सामग्री ले आओ। विभीषण कहता है प्रभु ये क्या कर रहे हो, राज तिलक क्यों लगा रहे हो? बोले लंका का राजा बना रहे हो। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, समझ बुझ कर करो। बोले किस चीज की? बोले अगर रावण अगर 1% हो, अगर आपका शरण में अगर आ गया तो फिर क्या करोगे आप? रावण को तो अभी मारे ही नहीं ना, उसको पहले आप ये राजदिल क्यों लगा रहे हो? अगर वो आ गया तो फिर क्या करोगे? देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले अगर 1% रावण अगर आ गया ना, फिर उसका हम अयोध्या का राजा दे देंगे, अयोध्या का राज्य उसको दे देंगे। बोलो अयोध्या का राजा कैसे दोगे? आप तो भरत को राजा बनाकर गए हो, अभी वहां के भरत राजा है ना, फिर अयोध्या का राज्य कैसे दे दोगे? फिर भरत को क्या दोगे? बोले अपना सांकेत धाम दे दूंगा। बोले सांकेत धाम दे तो खुद कहाँ रहोगे? अपना घर कहाँ रहोगे? आप फिर कहाँ रहते हो? फिर आप कहाँ रहोगे अगर सारा दुनिया को सब दे दिया? भगवान कहते मेरे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे घर कोई राज्य की जरूरत नहीं, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, केवल उसी कीर्तन में मैं रहता हूँ और उनका हृदय में ही निवास करता हूँ, मेरे लिए कोई जगह की जरूरत नहीं। मतलब भगवान इतने दयालु इतने कृपाल भगवान हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं ये जो कथा है संत समागम हरि कथा, कहती है तुलसी दुर्लभ दोए, कहती ये जो कथा है, कहती है वैकुंठ में भी वहाँ पर नहीं। इसलिए भागवत में बताया न जत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा, बोले जहाँ पर वैकुंठ लोग क्यों नहीं हो, स्वर्ग लोग क्यों हो, अगर वहाँ पर तुम्हारी भजन नहीं है, वहाँ पर तुम्हारी कीर्तन नहीं, वहाँ पर जन्म उत्सव नहीं, वहाँ पर राधा है राधा अष्टमी नहीं, वहाँ पर होली नहीं, कहते सुरेश लोको अपनी नब्बई सभ्यता, कहते वो ब्रह्मलोक क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ क्यों नहीं हो, वो स्वर्ग लोग क्यों नहीं हो, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी भक्त लोग हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, प्रभु की चर्चा हो, केवल मैं वहीं रहना चाहता हूँ है। इसलिए कहते वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गाया ओ गरुड़ा जहाँ बस ए भोसोंडा रामा चरण अति भक्ति अखंडा। इसलिए अगर गरुड़ जी को कभी कथा सुनना हो, कहते वैकुंठ छोड़ करके इस मध्य जगत में आते। देखो हम लोग कितने भाग्यवान, देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा कथा सुनने के लिए, शंकर जी को शिव लोग छोड़ना पड़ता है, हैं? कहते गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ा, लेकिन ब्रजबिन के भक्तों को घर छोड़ना पड़ा? हमें अपना घर हमने छोड़ा है? छोड़ा ही नहीं। कहले कथा रूपी गंगा हमारी घर में अपने आप बहते बहते हमारी घर में आ गई और हम घर में बैठी बैठी कर कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। इसलिए आज श्री प्रकाश प्रभु करुणा दीदी अपना घर में भक्त लोगों को बुलाए, सबके सब घर में आओ, भगवान का कीर्तन हो, हरि कथा हो, है। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि आज हमें ठाकुर ने इतने सौभाग्य प्रदान किया है हरि कथा और कीर्तन करने के लिए। ठाकुर जी की बड़े कृपा हम लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ आज है बहुत अच्छा दिन, आज है
कहते आज है मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति मतलब भारत में जो मकर राशि होता है ना, कहते आज का दिन से दिन था छोटी और रात था बड़ी, आज से वो जो रेखा थोड़े बदलेगी, मतलब आज से भारत में दिन हो जाएगी धीरे धीरे बड़ी और रात हो जाएगी छोटी, और आज का दिन से हैं ये धीरे 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 जो ठंडी थी धीरे 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 ठंडी धीरे धीरे कम होती जाएगी, हाँ गर्मी धीरे 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 गर्मी आती जाएगी। इसलिए आज का दिन जो तिल जो है ना भारत में सबके सब मंदिर में तिल दान देते हैं, क्योंकि तिल दान को शास्त्र में बताया, बड़ा महत्व बताया तिल दान। जब कृष्ण जन्म हुए श्री नंद बाबा ने 7 तिल का पर्वत उन्होंने ब्राह्मण और साधुओं को दान दिया है, 7 तिल का पर्वत और 20 लाख गैया उन्होंने दान दिया। इसलिए आज का दिन ये तिल दान की बहुत महत्व बताई गई है, इसलिए हर मंदिर मंदिर में वहाँ पर भक्तों को आज सबके सब तिल देते हैं, क्योंकि जो तिल है ना उसमें बहुत ज़्यादा तेल है, उसमें तेल खाने से जो ठंडा समय में देखना शरीर एकदम सिकुड़ जाती है, हाँ रूखापन हो जाती है, और तिल में तिल है उसको खाने से शरीर में चमक आ जाती है, शरीर में ये चमक आ जाती है। इसलिए भारत में आज तिल दान की, इसलिए जो अभी जो एकादशी आएगी ना षट तिल एकादशी, उसका नाम भी षट तिल एकादशी उसका नाम है, इसलिए तिल दान की बड़ी महत्व है। और आज का दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आज का दिन उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था, हैं उन्होंने श्री सन्यास ग्रहण किया है। कहते उन्होंने ये सन्यास ग्रहण क्यों किया था, इसमें बहुत सारी कारण है सन्यास लेने का, हाँ बहुत सारी कारण है। शाम को महाप्रभु कैसे सन्यास लिया इनके घर में हम कथा सुने शाम के घर। और आज का दिन महाप्रभु का जो एक इच्छा है, पृथ्वी पे आशी जगत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, ये महाप्रभु का एक भविष्यवाणी। इसका मतलब है एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी में जितने नगर जितने शहर है, हैं सर्वत्र मेरे नाम कीर्तन प्रचार होनी चाहिए, और सुखी है या लोक मरे गाय में के कीर्ति। एक दिन ऐसा आएगा सारा दुनिया सुखी हो करके मेरे कीर्तन को करेंगे, मेरे भजन को करेंगे, सर्वत्र ये हरि कीर्तन धीरे 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 सर्वत्र ये प्रचार होगा। इसलिए कहीं कहीं पर बताए ये जो कलयुग में श्री कल की अवतार आते हैं, लेकिन ये जो कलयुग है हम लोग जिस कलयुग में जन्म हुए कहते इसमें कल की अवतार नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे, कारण है ये कलयुग में बड़े बड़े साधु लोग आएंगे कलयुग में, और श्रीमान महाप्रभु इसी कलयुग में आए, सर्वत्र ही हरि कीर्तन प्रचार होगा, और हरि कीर्तन का प्रभाव से हैं कि जगत संपूर्ण पवित्र हो जाएगी। इसलिए पवित्र होने पर फिर कलयुग को आने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए कहते हैं इसी कलयुग में कल की नहीं आएंगे। और ये जो कलयुग है कहते ये साधारण कलयुग नहीं, ये कौन सा कलयुग है, कहते इसको बताया ये धन्य कलयुग है। इसलिए एक भजन गाते हैं बोले के जाबी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलयुग रचय तन्न अवतार, तन्न अवतार तोरा के जा बिके जाबी रे भाव सिंधु पार। इसमें श्री हाँ लोचनदास गाते हैं कहते ये भवसागर को कौन पार करना चाहते हैं, कौन पार करना चाहते, बोले हम सबके सब पार होना चाहते हैं। कहते अगर पार होना चाहते हो बोले धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, ये जो कलियुग है ये साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग। बोले धन्य कलियुग इसको क्यों बताया, कारण क्या है बताओ, इसको धन्य कलियुग क्यों बताया गया, हर कलियुग से ये कलियुग का क्या विशेषत्व है, थोड़ी सी बोलो, आप भी थोड़ी सी बोलना जोर जोर से। ओम अज्ञानति मे अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुं कलयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो दिस माय डियर सेड दैट दिस कलयुग इज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी
very fortunate because it is appearance place in this Kali Yuga. Just like in one day of Brahma, Lord Sri Krishna appears to show it, to mercifully to show his pastimes. Then following that yoga, then in this Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu comes to give this prem, how to love Sri Krishna, especially in the mood of Raj Bhaksis. So therefore, and there is no restriction, there is no rules and regulations here. So just by simply following Nam Sankirtan, following the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, he quickly get this prem done. Like Maharaj said, this prem that Chaitanya Mahaprabhu has come to give, not is very rare that devotee, like Lord Brahma has not taken it, Lord Shiva has not got it, not Lord Vishnu has not got it, even Uddhava is not there. They want this prem done. So in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving freely, without any qualification. It doesn't look any qualification. But like in Bhagavad Gita, Krishna says, according to how they surrender, I give them accordingly, the rewards accordingly. But see, Chaitanya Mahaprabhu is saying, no, whatever qualification, I'll give you the qualification myself, and I'll give you this prem done. So therefore, this Kali Yuga is very tanya. Very fortunate. Kali Yuga ki apravata. जोर से घूम कर बैठ गया प्रभु जी ने अभी बताया कि ये कलयुग महाराज श्री ने बताया कि कलयुग धान्य कलयुग है इसको धान्य कलयुग क्यों कहते हैं तो प्रभु जी ने अभी इंग्लिश में समझाया कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए जैसे कि हर ब्रह्मा के एक दिन में कृष्णा एक बार आते हैं और ब्रह्मा का एक दिन में कितना एक हजार चतुर्युग यानी कि 1000 टाइम कलयुग आता है मगर इस 1000 में सिर्फ एक ही कलयुग ऐसा है जिसमें कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु एक साथ में आते हैं तो इस कलयुग में हमारा बड़ा भाग्य है कि हम सब ने जन्म इस कलयुग में लिया है कि इस कलयुग में कृष्णा आए और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी आए तो जैसे कि हर युग में जो साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन है ऐसे मामूली सी भगवान मिल नहीं जाते मगर इस बार चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण उन्होंने जो मार्ग दिया है उसके कारण भगवान को प्राप्त करना इतना सहज हो गया है कि सिर्फ नाम लेने से ही भगवान मिल जाते हैं तो हमें तप नहीं करना पड़ेगा यज्ञ नहीं करना पड़ेगा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ नाम संकीर्तन है सिर्फ नाम लेने से ही भगवान मिल जाते हैं तो बड़ा सहज है कि और इस महाराष्ट्र ने जैसे बताया कि इस कलयुग में ठाकुर जी की कृपा से बड़े बड़े साधु जो उनके उनके अनुगत्य में है वो सब आएंगे और ऐसा कोई भी समय नहीं रहेगा इस भूमि में कि कोई एक पीवा डिवोटी ना हो कि कोई एक पीवा साधु ना हो किसी भी वक्त इस भूमि में एक साधु जरूर रहेगा और किसी भी साधु के शरण लेने से और ये नाम के आसरा लेने से सभी इस कलयुग से पार यानी कि ये जन्म मरण के चक्र से निकल सकते हैं इसीलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा जाता है पहली बात तो जैसे कि साधु का संग मिलेगा नाम का आसरा मिलेगा तो जो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट है जो बुद्धिमान है वो इसको करेंगे साधु के आसरा लेंगे और नाम लेके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे प्लस हरिनाम संकीर्तन की प्लस सचिनंदन गौर हरि की जय जय श्री राधे हाँ कहते ये धन्य कलयुग है कहते ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहता क्योंकि ये युग का नाम कली है इसलिए कलयुग का विवरण किया बोले प्राप्ते कलयुगे घोरा नर पुण्य विवर्जिता बोले कलयुग में आने पर स्वाभाविक रूप में जीव का जो रुचि है वो गंदी चीज में आप कोई अच्छी चीज में लगाना चाहो आपको बड़ी कष्ट से मन को खेच खांच कर लगाना पड़ता है लेकिन कई गंदी चीज के लिए खेच खांच कर नहीं स्वाभाविक रूप में जाना हाँ जितने गंदी चीज में शराब पीना मांस खाना अवैध स्त्री संग करना जितना मन को बोलना नहीं वो अपने आप उधर जाएगी और लेकिन भजन के लिए जब बोलो जा करके बैठ करके साधन करके बड़ी खेच खांच करके उसको कहीं भगवान की भक्ति में कहीं लगाना पड़ता है कलयुग में हैं
बोले कलियुग प्राप्ते घोरा नर पुण्य विवर्जिता, पुण्य नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, जो चार चीज जो पाप है, हैं दुतम पानम स्त्रियम सोना, जो चार अधर्म है, देखना सारी चीज में शराब पीना, अवैध संग करना, हाँ जुआ खेलना, मन अपने आप गंदी चीज में जाएगी, उसको लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए नरा पुण्य विवर्ज दुराचार रता सर्वे, अभी कली का प्रारंभ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हैं कहते हमारे भारत में ब्रिटिश ने 2000 साल राजत्व की, जो हमारी संस्कृति को नहीं बिगाड़ पाई, जो टीवी इंटरनेट और मोबाइल स्मार्टफोन, ये हमारे गुरु जी कहते थे साक्षात कली, हैं ये साक्षात कली ने कहते इंटरनेट में शादी कर ले तो उसमें डाइवोर्स कर लेते हैं, उसमें शादी कर दे तो उसमें डाइवोर्स कर लेते हैं, कोई आपको गुंडागिरी चोरी मतलब गंदी काम के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल उसको खोल कर बैठ जाओ, केवल खोल करके बैठ जाओ और सारी चीजें अपने आप हो जाती है, हैं। इसलिए ये कलियुग में कहते ये इतने जल्दी आकर और धीरे धीरे ये कलियुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगी धीरे धीरे, हैं। इसलिए कहते नरा पुण्य दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परान मुख, कोई सच नहीं बोलेगा, सबके सब झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हैं। सत्य वार्ता परान मुख, इसलिए दुराचार रत्य सर्व सत्य वार्ता परान मुख, इसलिए ये कली जो कली मतलब क्या, केवल लड़ाई झगड़ा। आप देखो टीवी खोल कर देखो, क्या उत्तर कोरिया अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका उसको धमकी दे रहा है, एटम बम फेंक देगा, हाँ वो देश उसको साथ में लड़ाई, वो देश उसको साथ में लड़ाई, देखो ना सब कली कली मतलब क्या, जहाँ भाई भाई में कलह, बहु बहु में कलह, पड़ोस में कलह, देश देश में, मन मन में कलह, केवल कलह 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 झगड़ा गया। इसलिए कहते ये कलियुग में ना कोई जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन भागवत कहता है ये जो कलियुग है, अभी हम जिस कलियुग में आए, कहते ये कलियुग में सारे देवता भी इसी कलियुग में जन्म लेना चाहते, कहते देवता लोग इसी कलियुग में वो भी जन्म लेना चाह रहे हैं, और जो सत्य जो धर्म चार चरण में था, हैं पूरा धर्म, कहते सत्य युग का लोग भी इसी कलियुग में जन्म लेना चाहते, तृतीया युग राम राज्य, कहते ना राम राज्य है, वहां पर कोई आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख नहीं था, लेकिन उसी युग का लोग भी इसी कलियुग में जन्म लेना चाहते। द्वापर युग में कृष्ण आए, धर्म चार चरण में था, उसी युग का लोग भी इसी कलियुग में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों लेना चाहते, बोले कारण है ये जो कलियुग है धन्य कलियुग है, चैतन्य महाप्रभु हर समय नहीं आते हैं, और महाप्रभु जो प्रेम को आसानी से देते हैं, इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले ए मन गौरंग बिना नाही यार, हे नवतार हवे की होए छे, हे न प्रेम परचार, हे नवतार हवे की होए छे, हे न प्रेम परचार, आदुर मति अति पतित पासंदी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाके गया घरे घरे, हे मन गौरंग बिना नहीं आर, ब्रह्मा वीरिंचिर वंचित जे प्रेम जगते फैली लाली, हाय कंगाले पाया खाइला नाचिया बाजाया कर काली, हे मान गौरंग बिना नहीं आर। कति भजन में गा रहे हैं बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार जगत कभी हुए नहीं और कभी होएंगे भी नहीं, हैं कहते ऐसे प्रेम कभी देखे हो, कहते ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जे प्रेम, ब्रह्मा जी लास्ट में उन्होंने वृंदावन में जब उन्होंने कृष्ण का बछड़े गैया चोरी की, जब भगवान को पता चला, ब्रह्मा को पता चला, बहुत उन्होंने नाक रगड़ी, भगवान कहते कहाँ जन्म चाहते हो, मेरे ब्रज में कोई सखा सक, बोले नहीं नहीं फिर पाप कर डालूंगा, हैं बोले कहाँ पर जन्म लेना चाहते हो, बोले ब्रज का बाहर में जहाँ पर छोटे जाति का लोग रहते हैं, घर के सामने पत्थर होकर जन्म हो,
मेरे प्यार चरण रगड़े अगर मेरे सर पर जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर जी ब्रज में गोपी बन करके आए, शंकर जी लक्ष्मी ब्रज का बाहर बैठ कर तपस्या कर रही हैं, उद्धव जी गुलम लता औषध वृक्षन। कहते इन लोगों ने जो वस्तु पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, कहते ये कलियुग में, ज्यादा कोई परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। कहते हैं केवल सब ताली बजाते हुए थोड़ी भगवान का कीर्तन केवल कर लो, और जो चार नियम है जहाँ पर कली का स्थान है केवल चार नियम का पालन करो, और केवल थोड़ी सी कीर्तन कर दो, और महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम का आसानी से दे देंगे। वो आसानी से दे देंगे, केवल बाजा या करताली, केवल करताल बजाते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कर लो, बस वो दुर्लभ प्रेम मिल जाएगा। इसलिए कहते सत्य त्रेता द्वापर युग, आप लोग जो कंठी माला पहने हुए ना लगता है आप लोग साधारण नहीं, सब देवता पहले थे, देवता नहीं देवता से भी बड़े थे। लेकिन आपको विश्वास होगा कि नहीं, ये चीज आपको ऊपर निर्भर करता है। ये स्वयं ये भागवती बात कह रहा है कि सत्य त्रेता द्वापर युग का जो देवता लोग है उसी युग का लोग ये सब कलि युग में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये एकादश स्कंध में बताए वो लोग कलि युग में ये सबके सब इंसान बन करके आएंगे, और महाप्रभु की धारा में ये सबके सब भजन करेंगे। इसलिए आप लोग सब सत्य त्रेता जब राम आए ना कृष्ण आए, और जब त्रेता सत्य युग के, और जो देवता लोग है कहते सबके सब नर रूप धारण करते हुए आएंगे, और महाप्रभु लाइन में ये भगवान के भजन करेंगे। ये भागवत स्वयं ये बात है। इसलिए कहते यहाँ पर ये कलियुग कौन सा युग है, कहते कलियुग है। मैं पहले एक बार बताया था, एक समय कुछ साधु लोग बैठे हुए थे, साधुओं में चर्चा हो रही थी जगत में सबसे बढ़िया युग क्या है। एक ने कहा भैया सबसे बढ़िया युग तो सत्य युग है, क्योंकि सत्य युग का एक नाम कृत युग कहते। कृत युग मतलब सत्य युग में सबका जीवन धन्य, क्योंकि धर्म चार चरण में रहता था, कोई पाप कर्म नहीं करते थे, उनका स्वाभाविक रूप में पाप में किसी की मन नहीं जाती थी। स्वाभाविक रूप में जो धर्म का जो चार चरण है, जो दुतम पानम स्त्रियम सोना, ये अधर्म का चार है। लेकिन दुतम मतलब होता है जुआ खेलना, कहते उसको खेलने से क्या हो जाता है, कहते पहला धर्म का पहला चरण है सत्य, सत्य खत्म हो जाता है। लेकिन सत्य युग में है कोई झूठ बोलते नहीं थे, पानम इसको करने से तपस्या नष्ट हो जाती है, स्त्रियम अपवित्रता नष्ट हो जाती, दानम दया नष्ट हो जाती। ये जो सत्य युग में ये धर्म पूर्ण रूप में चार चरण में रहता था, किसी की मान कोई गंदी चीज में नहीं, स्वभाविक रूप में भगवान के चरण में जाना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु का भजन स्वभाविक रूप में लोग को था। इसलिए बोले सत्य युग सबसे दिव्य युग है सत्य युग उसका, इसलिए उसका नाम सत्य युग। सत्य मतलब सच है। किसने कहा भैया मैं तो चाहता हूँ त्रेता युग सबसे बढ़िया है, बोले क्यों, बोले राम आए थे ना, हम कहते ना राम राज्य, राम राज्य मतलब क्या, कहते आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो तीन तरह का दुख है किसी को नहीं था। प्रभु राम सभी की भाषा समझते थे, पशु पक्षी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जब राम दरबार लगता था वो पशु पक्षी भी आकर के प्रभु के पास में अपना प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारे ये दुख, अगर थोड़ी सी कोई अनिति करे ना अपने आप प्रभु को पता चलता था, अपने आप भगवान को पता चलता था। इसलिए हम कहते राम राज्य, इसलिए उसका नाम अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ युद्ध नहीं, अवध, अवध मतलब जहाँ पर कोई मरते नहीं है, क्योंकि सबके सब राम के परिकर थे। बोले भैया हम तो सोचते राम राज्य है, एकदम स्वर्ण राज्य है,
इसने पूछा और किसको कोई बोलना, बोले मैं तो बोलूंगा द्वापर युग सबसे बढ़िया था। बोले क्यों, बोले भगवान पूर्ण ब्रह्म जिसको ब्रह्मा कहते हैं, अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान जब सोलह कला में आए हैं, सोलह कला में कौन सा युग में, द्वापर युग में आए, जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है, लेकिन ब्रजवासियों का सखा बन गए, उनकी बेटा बन गए, गोपियों की प्रियता बन गए प्रभु। इसलिए धर्म जिस समय कृष्ण आए, वो पृथ्वी जो रोंगटे खड़े होती है ना, कहते उनका जो घास नहीं भगवान का चरण स्पर्श पाकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, बोले झरना नहीं वो आंखों से प्रेम से आंखों के आंसू की झरी बहती थी, क्योंकि भगवान का चरण स्पर्श पा करके। इसलिए कहते भैया मैं तो सोचता हूँ ये द्वापर युग सबसे बढ़िया युग। एक साथ किसने कहा और कोई बोलेगा, बोले भैया मैं तो सोचता हूँ कलि युग सबसे बढ़िया युग, ये कलि युग सबसे बढ़िया युग, ये जो कलि युग। बोले भैया इसका नाम ही कलि युग है, कलि मतलब लड़ाई झगड़ा अशांति दुख कष्ट है, आप कैसे कह रहे हो कलि युग सबसे बढ़िया युग। बोले कारण है ये कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये धन्य कलि युग है, और इसी कलि युग में बड़े बड़े साधु लोग भी हैं, बड़े बड़े साधु लोग जो महाप्रभु आए संपूर्ण जैसे जितना पाप होगा ना, अब देखना जितना बड़ा बीमारी होता है उसके लिए उतना बड़ा दवा की जरूरत होता है, और कलि युग में ज्यादा बीमारी युग ही कलि युग। इसलिए बड़े बड़े साधु लोग भी ये कलि युग में बड़े बड़े साधु लोग भी आएंगे। महाप्रभु तो पूरा अपना निकुंज को यहाँ पर उतार दिया, महाप्रभु सारे सखा सखियों को लेकर के आए। कलि युग में थोड़ी सी हरि कीर्तन हरि नाम कर बस बड़ा पारी। इसलिए महाप्रभु आज उन्होंने सन्यास महाप्रभु लिए, बोले आज का दिन उन्होंने सन्यास क्यों लिए, कारण है उनकी जो एक इच्छा है संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तन हो, लोग सबके सब हरि नाम कीर्तन करे हैं। इसलिए कहते हैं साधु पावा बड़ कष्ट जिबेरे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला न दिया। कलि युग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए स्वयं साधु का आदर्श रूप में भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन से स्वयं श्री महाप्रभु का रूप में आए, साधु रूप में आकर के उनने 26 साल तक गृहस्थ लीला की, 26 साल उनका 48 साल महाप्रभु रहे, 26 साल गृहस्थ लीला की, मतलब घर में रह करके हम कैसे भगवान के साधन भजन करें, हमें कलि युग में कैसे साधन भजन करनी चाहिए, भगवान स्वयं ये चीज को महाप्रभु ने सिखा बताने हैं। इसलिए महाप्रभु दो चीज विशेष करके गृहस्थ लोगों को बताया, एक तो वैष्णव सेवन, दूसरा नाम संकीर्तन। बोले दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, अगर ये दो काम को अगर कर लेंगे बस, बोले भगवान को जल्दी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला जो काम है कहते वैष्णव की भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हाँ भक्तों की सेवा करो। बोले क्यों, बोले जो पैसा हम कमाते हैं अगर स्वयं कमाए अगर स्वयं खा लिए फिर हमारे इसमें कल्याण कहाँ होगी, अगर उसके कुछ परसेंटेज हैं अगर ठाकुर जी की सेवा में भक्तों की सेवा में लगा तो उसमें क्या होगा, उसमें सुकृति हमारी बनेगी, उसमें हमारी संस्कार बनेगी। इसलिए महाप्रभु जब गृहस्थ लीला में थे, महाप्रभु क्या करते थे 10-15-20 सन्यासियों को निमंत्रण दे देते थे, और मैया को बोलते थे मैया कल हमारे घर में 20 सन्यासी आएंगे खाना देना। महाप्रभु तो गरीब घर में ब्राह्मण घर है ना, पहले ब्राह्मण लोग कोई बिजनेस नहीं करते थे, ब्राह्मणों का धर्म था भिक्षा करके अपना जीविका निर्वाह करना इनका। मैया तो बड़ी चिंता में पड़ जाती थी, बोले 20 सन्यासी आएंगे घर में कुछ ही है कहाँ से हम खाना कैसे बनाएंगे। इतने में महाप्रभु कहीं जाते थे, महाप्रभु भगवान है ना, सोने की एक तोला ला करके बोले मैया लो इसको तोड़ करके सब दाल चाल सब्जी खरीद कर ले आओ। ये सोना कहाँ से ले आए, उनको तो पता नहीं, ये सोचते ये मेरे लाला है, तो किसको घर से तो उठा करके नहीं ले आया। फिर मैया क्या करती है ना, सब घर घर में भैया तेरे घर का तो ये नहीं, तेरे अड़स पड़ोसी जितने हो तुम्हारे घर, बोले हमारे कहाँ से आएगी। फिर महाप्रभु ने फिर सची भैया ने इसको लेकर के फिर दाल चावल सब्जी लाती थी, और लक्ष्मी श्री जो विष्णु प्रिया लक्ष्मी है ना विष्णु प्रिया वो खाना बनाया करती थी, खाना बना करके फिर क्या करती थी सारे जितने भक्त लोग आते थे उनको भोजन दिया करते थे, महाप्रभु स्वयं खिलाते थे। यहाँ पर कह रहे भैया
स्वयं माँ लक्ष्मी जो चीज को बना रही हैं और स्वयं नारायण जिनको खिलाती सब कौन है साधु? बोली साधारण नहीं, ये व्यास पराशर नारद वशिष्ठ ये जितने ऋषि मुनि लोग सबके सब ये साधु रूप में आते थे। बोले अहो भाग्य है माँ लक्ष्मी स्वयं खाना बना रही है, नारायण स्वयं परस रही है, किसका इतना सौभाग्य होगा इनके हाथ से खाना भोजन करे। ये लोग आकर के इनके घर में रोज रोज इनके घर में आकर के प्रसाद खाते थे। और महाप्रभु सवेरे उठ करके क्या करते थे? महाप्रभु ठाकुर जी को सेवा अर्चन पूजा ठाकुर जी को भोग लगाना ये महाप्रभु स्वयं करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना शालग्राम की अभिषेक कराना ये महाप्रभु स्वयं ये काम करते थे हैं। और जो नाम संकीर्तन जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महापुरुष स्वयं एक आदर्श गृहस्थ रूप में महापुरुष रहते हुए उन्होंने ये दो काम करके उन्होंने सिखाए। भक्तों को सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से जो हम पैसा कमाते हैं उसको थोड़ा सुकृति बनेगी हैं, थोड़ा सुकृति बनेगी और वो सुकृति बनेगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगी, फिर हमको भगवान के भजन में फिर धीरे धीरे रुचि हो सकती है हैं। इसलिए बोले सत्संग प्राप्त भूमि सुकृत ही पूर्व संचित ही, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार नहीं हो तब तक भक्ति में रुचि नहीं होती है, भक्ति में रुचि नहीं होती है, इसलिए सुकृत की जरूरत है। इसलिए महाप्रभु ने ये गृहस्थ लीलाव करते हुए उन्होंने दिखाया जो घर में रहेंगे कैसे साधन भजन उनको करनी चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। फिर 24 साल के बाद में फिर महाप्रभु चले जाते हैं सन्यासी बनकर। फिर जो सन्यासी बनकर के भजन करना चाहते हैं उनका भी कैसे आदर्श होनी चाहिए, स्वयं भगवान अपना जीवन में आचरण करते हुए दिखाया कैसे महाप्रभु गंभीरा में रहते हुए महाप्रभु कैसे 24 घंटा प्रभु का स्मरण में प्रभु का चिंतन में हरि कीर्तन में कैसे उन्होंने प्रचार किया और सर्वत्र जा जा कर हरि नाम को महाप्रभु ने प्रचार और प्रसार किया। इसलिए आज का दिन श्रीमन महाप्रभु आज का दिन महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया था। इसलिए सन्यास लेने से पहले महाप्रभु दो व्यक्ति को बुलाया, कहते नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर, उन्होंने दो व्यक्ति बुलाया, बुला करके ये दोनों का आदेश देते हैं, कहते सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास अमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा य गुरु हया तार ऐ देश। ये बंगला भाषा है, समझ रही ना बंगला भाषा थोड़ी थोड़ी तो एक टूक पूछते हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने दो व्यक्ति को उन्होंने बुला करके आदेश दिया हैं। बोले किसको किसको बुलाया? एक श्री नित्यानंद प्रभु और दूसरे श्री हरिदास ठाकुर, दो व्यक्ति को बुलाया। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भैया महाप्रभु तो बहुत सारे भक्त थे, उन्होंने ये दो व्यक्ति को क्यों बुलाए और इनको ही क्यों आदेश दिया है? दरवाजा दरवाजा पर जाओ और भक्ति की भिक्षा मांगो, उन्हें दो व्यक्ति को क्यों बुलाया? तो प्रभुपाद कहते हैं उसमें उन्होंने चार कारण बताया है? उसमें चार, पहले मैंने सुनाया और एक बार सुना देता हूँ। इसलिए उसमें चार कारण बताए ये दो व्यक्ति को ही उन्होंने क्यों बोले दरवाजा दरवाजा में जाओ, इसका क्या रहस्य है? कहते पहला कारण बताए भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। कहते ना जात पात पूछना कोई, हरि का भजा सो हरि का। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का विचार नहीं, केवल बड़े व्यक्ति हैं जो उच्च कुल में जन्म ग्रहण किए केवल यही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं और नीचे कुल के व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नहीं नहीं हैं। भगवान की भक्ति में सबके अधिकार हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है हम सबके सब भगवान की संतान, एक पिता की ही हम सबके सब औलाद, एक पिता की हैं। वो पिता कौन है? भगवान है, हम सबके सब उनकी संतान। जब उनकी एक पिता का संतान है इसलिए भक्ति में भी सबकी अधिकार है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? मतलब उच्च, उस समय में उच्च ब्राह्मण कुल में इनके अधिकार थे,
उच्च ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिए। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं अगर इनको अकेले में भेजूं प्रचार करने के लिए, लोग क्या सोचेंगे। बोले हाँ, भक्ति केवल जो बड़े जाति में जन्म हुए ना ब्राह्मण घर में, अरे वही केवल करते। अब देखना, आप प्रचार करने के लिए जाओ, आपको पहले देखते हैं कौन व्यक्ति प्रचार करने के लिए आए। अब जैसे स्टैंडर्ड के होएंगे ना, अब देखना वैसे लोग ही आपके साथ में जुड़ना शुरू कर देंगे। अब जैसे स्टैंडर्ड की होएगी वैसे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। हाँ, इसलिए सोच रहे हैं, अगर सोचे केवल भैया ऊंची जाति के लोग ही केवल भजन करेंगे। हाँ, दूसरा व्यक्ति किसको भेजे। बोले हरिदास ठाकुर जी को। बोले हरिदास ठाकुर, बोले ये जवन कुल में इनका जन्म ग्रहण किए है, मुसलमान कुल में। उन्होंने सोचा अगर इनको भेजू जाओ प्रचार करने के लिए, लोग सोचे कि यार जो छोटे जाति के लोग हैं ना, हाँ केवल वही भजन करते हैं, ये छोटे जाति के आदमी प्रचार कर रहे हैं और उसमें छोटे जाति का लोग आए। हाँ, लेकिन उन्होंने दोनों को भेजे, दोनों को भेज करके उन्होंने ये सिखा दिए, छोटे से छोटे जाति के व्यक्ति भी प्रभु की भक्ति कर सकते हैं और ऊंचे से ऊंचे कुल के व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, सबके सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये एक पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या, ये दोनों को ही उन्होंने क्यों भेजे। कहती ये नित्यानंद प्रभु कौन है। बोले ये आदि गुरु, ये ओरिजिनल गुरु से नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। हाँ, इसलिए हम गुरु को दो स्वरूप मानते हैं। कहते एक श्री नित्यानंद अभिन्न स्वरूप है और दूसरे है कहते श्री राधा जी की जो दासी है, इनका स्वरूप गुरुदेव का दो स्वरूप मानी जाती है। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। इसलिए इनको भेज करके उनने सिखा दिया हमें, जब तक गुरु जी की शरण में हम नहीं जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले बिनो गुरु भव निधि तर इन कोई, जो वीरिंचि शंकर सम होई। इसलिए कहते जब तक हम श्री गुरु जी की शरण में नहीं जाते हैं, कहते ब्रह्मा शंकर जी जैसे बन जाए, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन तब भी ये भवसागर से हम पार नहीं हो सकते हैं। एक समय छोटी सी कहानी सुनो। बोले एक समय में पानी में एक, देखना पानी में एक चिड़िया रहता है। वो चिड़िया हाँ क्या करता है, पानी में डूब कर ना मछली पकड़ेगा, मछली पकड़ कर खा नहीं लेगा, वो मछली को ऐसे फेंकेगा ऊपर में, उसका कि कला है, वो मछली को ऐसे फेंकेगा, फेंक करके दो बार उसको पकड़ेगा, फिर जाकर उसको खाएगा, उसका एक टेक्निक है। एक व्यक्ति ने ये टेक्निक को देखा, बोला देखो ये मछली पानी से पकड़ेगा, पकड़ करके और मुंह से ऐसे फेंकेगा ऊपर में और फेंक करके फिर दो बार उसको पकड़ेगा, फिर जाकर खाएगा। उसने उससे देख देख करके एक विद्या सीखी। उसने क्या किया, पहले लकड़ी का चाकू बनाया और उसको ऐसे फेंका, फेंक करके अपना दांत में पकड़ा। इसको प्रैक्टिस करते 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 उसने फिर एक लोहे का चाकू बनाया और उसको ऐसे फेंकता है और पकड़ता है। जब बढ़िया प्रैक्टिस हो गया, इसको उसने बिजनेस बना दी। जहाँ पर ज्यादा लोग देखेगा वहां पर एक बाजा बजाएगा, ढूंढ 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 जोर के बजाएगा, और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएगा फिर उसने ये कला दिखाएगा, लोग बाहवा बारे क्या चमत्कार, हाँ क्या चमत्कार। एक ने बोला बारे तेरे गुरु कैसे गुरु है, जिस गुरु ने तेरे को ये विद्या सिखाया ना, हाँ धन्य वो गुरु का। बोले थोड़ी मैंने गुरु गुरु बनाया, वो अपने आप सीख गया, मैं अपने आप सीख गया, थोड़ी मैंने गुरु बनाई। लेकिन उसका गुरु कौन है, चिड़िया। वो मछली है, ये मछली है, चिड़िया है, ये चिड़िया उसकी गुरु, उसने सीखा चिड़िया से। हैं अभी तो गुरु जी का अपमान नहीं कर रहा था ना, हैं इसलिए वो कार्य उसको सक्सेसफुल होता था। जब उसने कहा मैं थोड़ी बड़ी गुरु गुरु बनाया, मैं तो अपनी आप सीख गया, देख अपनी आप उसको प्रैक्टिस करके हमने ये किया है। एक व्यक्ति ने कहा भैया और एक बार दिखा। उसने फेंका चाकू को ऊपर, फेंक करके जब दांत में पकड़ने के लिए गए ना, वो चुक गई तो सीधा नाक ऊपर गिरा और उसका नाक ही काट गया, उसका नाक ही कट गया। हाँ देखो, यहाँ पर कहते हैं जब तक हम इसी जगत में, देखना कोई भी जो शराब पीते है ना, उसका भी एक गुरु है, उसका भी एक गुरु है।
वो मुंह कैसे खोलोगे, कैसे पियोगे, बोलेंगे ना अरे एक बार पी लो, बोले नहीं हमारे घर में कोई नहीं पीते, रोज थोड़ी पीते हो, एक ढकन पी लो बस, दो बार चार पिला दे फिर पॉकेट से पैसे निकालो, फिर तुम भी निकालो। इसलिए जो चोरी करते हैं है? कोई भी इसी चैत में जो सिगरेट फूंकते हैं उसका भी कोई गुरु होता है, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं जब ये गंदी से गंदे काम में के लिए तुमने गुरु बनाया, कहते जो अवांग मनस गोचर, जो मन और वाणी से जो ऊपर है भगवान, तो अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप थोड़ी मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को भेजे, बल्कि ये गुरु तत्व है, इनके चरण को आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति किसको भेजे, बोले हरिदास। बोले हरिदास कौन है, बोले जो 300,000 जो दिन में 300,000,000 जो हरिनाम करते थे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये 300,000 हरिनाम करते थे, कहते इनसे क्या शिक्षा ग्रहण करो, बोले भगवान का नाम, भगवान की नाम है। इसलिए कलयुग के बोले नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ग्रहण करनी चाहिए। बोले कैसे ग्रहण करनी चाहिए नाम, बोले हरिदास ठाकुर जैसे है, जैसे 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के नाम जप करते थे, हमें भी ऐसे भगवान के नाम हम जप करनी चाहिए। हमारे 24 घंटा में 24 घंटा हमें श्वास श्वास में प्रभु की नाम चलनी चाहिए है, श्वास श्वास में जो कुछ काम करे ठाकुर जी का सेवा मान करे करे है, हर मुंह में भगवान की नामकरण करनी चाहिए। इसलिए कहते श्री नामाचार्य जैसे हरिदास ठाकुर है, इनको अपना नाम आचार्य, इसलिए उन्होंने दो व्यक्ति को भेजा है। कहते हैं बोले उसका तीसरा कारण क्या, बोले तीसरा कारण बताए, उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए भेजा, जाओ भिक्षा करके लाओ, दरवाजा दरवाजा में जाओ भिक्षा। प्रश्न है भिक्षा कौन मांगता है, साधारण व्यक्ति मांगता है जिसके पास कोई चीज़ है नहीं। देखना जो मांगने वाले होते हैं उनका हाथ नीचा होता है, और जो देने वाला होता है उसका हाथ ऊंचा होता है, और लेने वाले का हाथ नीचा होता है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति कौन है, ये ब्रह्मा कौन है, कहते ये हरिदास ठाकुर कौन, ब्रह्मा। कहते ये ब्रह्मा कौन है, ये पृथ्वी को जो सृष्टि करने वाला, ये दुनिया को जिसने सृष्टि बनाई। बोले श्री बलदेव प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन, बोले तो ये तो एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, वो जो है ना उनका अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले मूल है श्री नित्यानंद प्रभु है, ये साक्षात बलदेव प्रभु है, जिनकी एक एक लोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है। भैया ये दोनों को उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए भेजे, मांगने वाला का हाथ छोटा होता है, नीचा होता है, देने वाला का हाथ ऊंचा होता है, ऊंचा होता है लेने वाले। लेकिन जो दोनों ही एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो सृष्टि करने वाले दुनिया का मालिक, तो फिर इनको हम क्या देंगे, जिनको पास में सारा दुनिया, जिससे हम सारा दुनिया ले रहे हैं, फिर हम उनको क्या दे सकते हैं, फिर हमको उनको क्या देंगे, हमारे पास में क्या है। हाँ कहते जो जितने बड़े व्यक्ति हो ना उसको उतना बड़ा चीज भिक्षा देनी चाहिए। साधारण भिखारी को रोटी चावल व सब्जी बार रुपया भिक्षा दे दिया, लेकिन वो बहुत बड़े भिक्षा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा भिक्षा चाहिए ना। इसका मतलब है ये छोटे मोटे भिक्षा मांगने नहीं आए, ये जो मांगने के लिए आए ना साक्षात भगवान को मांगने के लिए आए, भगवान का नाम को भिक्षा मांगने के लिए आए, वो साधारण भिक्षा नहीं। और भगवान का नाम क्या है, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। कहते भगवान का जो नाम है, कहते नाम चिंतामणि, भगवान का नाम साधारण नहीं। नाम क्या है, बोले चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो भगवान का नाम से चिंता करते वही मिलेगा। बताओ हनुमान जी कहाँ से रोजगार करते हैं, हम मांगते ना हनुमान जी के चरण में हाँ सब कुछ मांगते, धन दौलत पुत्र परिवार हनुमान से प्रार्थना करते हैं। क्या हनुमान जी कहीं कमाई करते हैं, कहीं काम करके कमाई करते दे देते हैं। हाँ इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सुमेरी पवन सुत पावन नामो
आपन बस करे राखे राम। हनुमान जी केवल भगवान के नाम जप करते हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, केवल भगवान के पवित्र नाम को स्मरण करते करते भगवान को वशीभूत कर दिया, जो कुछ देते हैं ये नाम की बल पर ये प्रदान करते हैं। बोले शंकर जी जो कुछ मांगो शंकर जी सब कुछ हमें दे देते हैं। बोले शंकर जी कहीं कमाई करके देते हैं, कहाँ से काम कमाई करते हैं हमें देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले मोहा मंत्र जय जपत महेशा कासे मुकाति हे तो उपदेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुह में पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी पंचमुह में भगवान की नाम जप करते हैं। कहते देवी मैया कहाँ से लाती है, वो भी क्या कमाई करती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं राम रामेति रमेति रम रम मन रमे सहस्र नाम आभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरनमे, केवल भगवान के नाम जप करती। इसलिए देवी के आठ हाथों में देखना एक हाथ में माला है, देवी की एक आठ हाथ में एक हाथ माला, सरस्वती को देखो चार ही हाथ में एक हाथ में देखना माला है, अब गायत्री को देखो चार ही हाथ है लेकिन एक हाथ में देखोगे भगवान की माला है, है? केवल ये जो कुछ देते हैं ठाकुर के नाम के बल पर। बोले गणेश जी कहाँ से देते हैं, है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले माही मजा सो जाना गणरा हो प्रथम फुजे अतना प्रभाव। बोले महिमा जासु जान गणराऊ, कहते गणेश जी हैं कहते प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, इनकी जो पूजा हो रही है भगवान की केवल नाम के प्रभाव से। इसलिए एक समय सारे देवता में मीटिंग हुई सबसे पहला पूजा किसके होनी चाहिए, बोले ये पृथ्वी को जो परिक्रमा करते आ जाए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को। आप लोग टीवी में से आप देखे होंगे उसमें बताया है, हाँ उसमें पता नहीं क्या टीवी में आती है उसमें, मतलब जितने ब्रह्मांड सब सबके जो पहले परिक्रमा करके आ जाए सारे अपना अपना वाहन निकल के लेके चले गए। अभी गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा, वो कहाँ जाएंगे, वो चुपचाप बैठे। नारद जी आए क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले कोई चिंता मत करो हरि से बड़ा हरि का नाम, तुम भगवान का नाम का राम का नाम लिखो। वो तो एक एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिनों में परिक्रमा करके आएंगे लेकिन भगवान के अंदर में अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड है, उनको तीन तीन बार परिक्रमा कर लो तुम्हारी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की तीन तीन बार परिक्रमा हो जाएगी। जब सारे देवता कितने सालों में पसीना पसीना बह रहा है सबके सब घूम घाम करके आए और गणेश जहाँ के तहाँ बैठे हुए मीटिंग हुई सबसे पहले कौन परिक्रमा करके आए, किसी ने कहा मैंने, किसी ने कहा मैंने, बोले तेरे से पहले मैंने आ गया, बोले तेरे से पहले मैंने। गणेश जी बोले चुप रहो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को एक बार परिक्रमा किए, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तीन तीन बार हमने परिक्रमा की। सब लोग बड़े जोर से हंसे, बोले देखो चूहा बाहर जहाँ के तहाँ बैठा हुआ कहते अनंत करोड़ों बार परिक्रमा लगाई, फिर उन्होंने भगवान के नाम की महिमा बताई, हरि से बड़ा हरि का नाम है, बोले इसको मैंने तीन तीन बार हमने परिक्रमा लगाई, बास इनकी जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते महिमा जास जान गण राहो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। अगर हम भी अगर प्रभु का नाम लेना, अगर हम भी जगत में भगवान का नाम ले, देखना मीरा का जगत में क्यों पूजा हो रही, हनुमान जी की क्यों पूजा हो रही, जिसने जितने देवता को पूजा हो रही ना, जो जितने भगवान के नाम जप किए हैं इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा हो रही है। लेकिन हम क्या चाहते, नहीं हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे सबके सामने, हीरो हीरोइन बनेंगे। भैया 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन का नाम है, अब हीरोइन का जीवन बड़ा अक्सर करके हीरोइन सब सुइसाइड करके मारे सबके साथ, लास्ट में आत्महत्या सबके सब की है, इतने डिप्रेशन में आकर के हैं सब, इतने डिप्रेशन में आत्महत्या किए है। हाँ कहते बनना तो है ना भगवान के भक्त बनो, जो नाम अजर अमर बन जाएगी, कभी दुनिया से कभी मिटेगी नहीं। इसलिए महाप्रभु ये नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को भेजे, बोले दरवाजा दरवाजा में जाओ और भगवान के नाम की भिक्षा लो, भगवान की नाम की भिक्षा लो,
क्योंकि यही भिख्या ही सबसे श्रेष्ठ भिख्या है। और मेरे को आकर के बताना कौन ग्रहण किया और कौन ग्रहण नहीं किया। महाप्रभु कहते हैं जो ग्रहण करेगा उसको तो अपना चरण में स्थान दूंगा, और जो ग्रहण नहीं करेगा भगवान कहते चक्र लेकर उसको मैं संहार करूंगा। मतलब क्या है? मतलब क्या? जो नाम नहीं लेगा संहार करेगा, मतलब क्या? 84 लाख जन्म में गधे कुत्ते सुअर होकर भटकते रहो, उसमें 84 लाख जन्म में उसी में ही भटकते रहो, बस उससे कभी निकल नहीं पाओगे, दुख का अनुभव करोगे। और जो भगवान का नाम ग्रहण करेगा महाप्रभु कहते मैं अपना चरण में उसको हम स्थान प्रदान करेंगे। इसलिए आज महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण की। संन्यास ग्रहण का मुख्य उद्देश्य है सर्वत्र ही हरि कीर्तन प्रचार हो, सबके सब भगवान के नाम भजन करे, और भक्ति करते हुए बैक टू गॉड है, अपना घर में वापस चले जाए। बोला अपना घर कहाँ है? हम ये घर बनाए ना, ये हमारा घर है ना। हम कहेंगे हम बैक टू गॉड है, हम इतना कष्ट करके सारे घर बनाया, अब बोला घर को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग का जो घर है ना ये सही है, क्योंकि घर में ठाकुर जी, घर में ठाकुर जी है, भजन कर रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते जिस दिन गृह भजन देखे गृह तो गोलोक वाहे, जिस दिन घर में भगवान की कीर्तन हरि कीर्तन हो कह तो घर नहीं हो गोलोक वृंदावन, वो घर नहीं है वो भगवान की धाम है। लेकिन जिस घर में कीर्तन नहीं होता है ना ये घर छोड़ना पड़ता है। देखो 2 मिनट और कथा सुनो। बोले एक समय कोई भारत में होता है ना, बड़े बड़े बूढ़ी कोई लिखा पढ़ा जानते नहीं, अनपढ़ है। एक दिन एक बूढ़ी माता जी बस में जाते ना एक जगह बस से दूसरे जगह, उसने की टिकट बनाई, और टिकट का नंबर था 15 नंबर। टिकट का नाम ध्यान देख रहे, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, 15 नंबर वो टिकट है। अभी उसने 15 नंबर टिकट बनाया, अनपढ़ है ना, अभी बस में गया देखा सारे सीट खाली है, उसने सोचा खाली है टिकट बनाया बैठ जा, 50 नंबर सीट में बैठ गई। अभी थोड़ी देरी बाद में 50 नंबर सीट के आए, बोले माता जी हटो यहाँ मेरी सीट। बोले ये क्या बात है, मैंने टिकट बनाया मेरे को बैठने नहीं दे रही बैठने नहीं दे रही, हटो यहाँ से। उसने जा करके 40 नंबर सीट में बैठ गई। थोड़ी देरी बाद में 40 नंबर सीट वाले आए, माता जी हटो यहाँ से। बोली ये क्या चक्कर, मेरे को बैठने नहीं दे रहे, टिकट बनाया। उसने 30 नंबर सीट में बैठ गई। थोड़ी देरी बाद में 30 नंबर सीट वाला है, बोले माता जी हटो यहाँ से। बोली मेरे कोई बैठने नहीं दे रहे। फिर उसने 20 नंबर सीट में बैठी गई, बोले माता जी उसको बात है तो हटो यहाँ से। उसने 10 नंबर सीट में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद 10 नंबर हटो यहाँ से, या मेरी सीट। अभी उसको बस में बैठने नहीं दे, वो तो हैरान कहते मैंने टिकट बनाया मेरे को बैठने नहीं दे रहे। उसने देखा कहाँ पर बैठू, मेरे को कोई नहीं हटाए। जो ड्राइवर का सीट देखा ना सबसे अलग दिख रहा था, बढ़िया दिख रहा था, बोले यहीं पर बैठ जाओ फिर तो मेरे कोई नहीं हटाएगा। वो जाकर सीधा ड्राइवर का सीट में बैठ गया चुपचाप, बढ़िया सीट, बोले बढ़िया सीट अलग है सबसे अलग। लेकिन ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए गया था। जब सबके सब बस में भर गए ना, इतने में वो आया देखा ये माता जी बैठी, बोले माता जी यहाँ से हटो। बोले बाबा तेरे पाप बढ़ता हूँ मेरे को मत हटाओ, पूरा बस में घूम गई हूँ मेरे कोई बैठने नहीं दे रहे, मैं बड़ी बुढ़ी आदमी मेरे को परेशान मत कियो। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ मेरे बगैर ये गाड़ी चलेगी। बोले बाबा तेरे पाप बढ़ता मेरे को मत हटाओ, मैं बढ़िया से अकेला मैं पूरा घूम गया मेरे को कोई सीट में बैठने नहीं देती। बोले टिकट बनाया? बोले हाँ। बुढ़ी कहते मैं वैसे बैठी हूँ थोड़ी हूँ, टिकट बनाया पैसा दे करके। बोले टिकट दिखाओ, उसने दिखाया, नंबर कितना था? 15 नंबर। देखा सारे सीट तो भरा के, बोले वही सीट खाली। बोले आओ तुमको हम बैठा देते। बोले यहाँ से कोई उठाएगा? बोले कोई नहीं उठाएगा, बस अपना घर में पहुँच जाओ। हाँ देखो इससे हमारे कोई संत सुनाते थे, हमने ये घर बनाया, आपको पता होगा कितना कष्ट करके हमने घर बनाया, 20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई थी, उसके बाद में फिर 10-10, 15-15 घंटा काम करते हैं। आपको पता होगा 50 साल लगता है, सारे जीवन का पैसा देकर अपना घर बनाया। जो घर बनाया कि घर में रह सकते हो, बनाया आप घर में रह सकते हो, घर में रह नहीं सकते हैं। वो परमात्मा शरीर से निकलना एक घंटा भी घर में रुकने नहीं देंगे, निकालो घर से इसको, निकालो घर से, और घर में घुसने तुमको नहीं देंगे। फिर दूसरे जीवन में गया, फिर 25 साल पढ़ाई लिखाई, फिर 50 साल तक काम किया, जितने जिंदगी का सारे पैसा लगाया। पर इतना नहीं, हर महीना महीना में पैसा से कटता है। अब बताओ कितना कष्ट से घर बनाया, और हर महीना क्या वो घर में रह सकते हो, तुम रह सकते हो घर में?
वहां भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। बोले एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर में बना रही और छोड़ रहे, बना रही और सारी एनर्जी, आपको पता होगा घर का किराया देते देते सारा जीवन में शायद किसी तरह से उसका पेमेंट कर पाते है ना, क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम जो सीट में बैठते हैं गलत सीट पर बैठ रहे हैं, और गलत बैठ तो तुम गलत सीट में बैठते हो, अपना सीट में बैठ नहीं रहे हो, अपना सीट में तुम बैठ नहीं रहे हो, इसलिए तुमको निकालते चलो घर से, हो गया तुम्हारी तुम्हारी हो गया। हाँ, इसलिए हमें सही सीट में कौन बैठेगा? बोले गुरु वैष्णव ही हमें सही सीट में बैठा थे, आओ यहीं पर बैठो, जहां पर बैठोगे ना तुमको दुनिया में कोई हटाने वाले नहीं है, वहीं पर जीवन में वहीं बैठ जाओगे। इसलिए बोले बैक टू गॉड हेड, अपना घर में वापस चलो, विदेश में आप विदेश जाओ, बढ़िया से बढ़िया रूम क्यों नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया है वहां पर, बड़े सुंदर खान पीन बड़े, लेकिन अपना छोटी सी घर में आकर के जो चैन मिलता है ना, विदेश में बढ़िया से बढ़िया घर में भी वो चैन तुम्हें नहीं मिलेगी। छोटी सी घर हो अपना, आ गए तो हम क्या कहते, अपना घर में आ गए कहते ना, अपना घर में आ गए, लेकिन अपना घर में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। चलो भैया अपना घर में चलो, ये विदेश है, ये देश नहीं, ये हमारी विदेश है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जहाँ जाने से जीव कभी वास न निवर्तन्ते, कहीं वापस नहीं आना पड़ता है, वो क्या है? बोले भगवान की चरण है, ठाकुर जी की चरण है। इसलिए हम सबके सब अपना घर में वापस चले जानी चाहिए, लेकिन जाने के लिए टिकट क्या है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्लस वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना बच्चे को ले आओ ना, उसको अन्नप्राशन करना है ना, अभी वो आई नहीं, अभी वो लोग रास्ते में, रास्ता में है, कीर्तन कर, ठीक है कीर्तन कर। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि के भजन बिना
Yeah.
खड़े हो जाइए आरती होगी ठाकुर जी।